ये है दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके का रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय, जो एक सरकारी स्कूल है। लेकिन आज सरकारी स्कूल के सामने एक ऐसी घटना घटी कि 3,500 बच्चों की जान पर बनाई। आखिरकार केमिकल रिसाव बताया जा रहा है कि एक टैंकर से केमिकल रिसाव हुआ, जिसके बाद बच्चे बीमार होने लगे, आंखों में जलन की शिकायत और दम घुटने की शिकायत। उसके बाद 70 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के अलग अलग 4 अस्पतालों में बच्चे इस वक्त इलाज चल रहा है इनका। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई, एम्बुलेंस से लेकर कैट्स की एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है, जो मदद के लिए जो पहुँची है वो लोगों को मास्क बांट रही है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा पुलिस का पहरा आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के एरिया को पूरा सील कर दिया गया है और पुलिस का पहरा लगा हुआ है। तमाम पुलिस बल यहाँ पहुँचा है कि हर तरह से हर एक इंसान की संभव मदद हो सके, चाहे वो कैट्स की टीम हो, चाहे वो पुलिस हो। लोकल बॉडीज की अगर बात करें, उन्होंने भी रेस्क्यू किया। और सबसे ज़्यादा जो सराहनीय काम किया है वो यहाँ के स्कूल के टीचर्स ने किया है। टीचर्स एसोसिएशन अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ। थोड़ी देर, क्योंकि हम ये लाइव आपको दिखा रहे हैं और इस लाइव में हम कोशिश करेंगे कि मास्क को हटा दिया जाए। हालांकि कैट्स की एहतियात ये है कि अभी भी जहरीली हवा जो हवा है वो वातावरण में बनी हुई है, लिहाजा मास्क लगाना बहुत जरूरी है। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। मैं हरिओम शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जी। जैसे ही सुबह बच्चे स्कूल आए, स्कूल आते ही स्कूल की बाउंड्री के साथ में कंटेनर है डिपो, वहाँ पर कोई ट्रक पलटा हुआ था केमिकल का, उससे रिसाव हुआ। बच्चों ने तुरंत शिकायत करी, प्रिंसिपल के पास शिकायत आई। प्रिंसिपल ने बड़े ही सूझबूझ के साथ और सारे स्टाफ ने, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सभी ने तुरंत बच्चों को निकालना शुरू कर दिया स्कूल से। इतनी देर में ही लगभग 100-150 बच्चे बेहोश हो चुके थे। हमारी प्रिंसिपल ने और भी एक सूझबूझ का परिचय दिया कि हमारे इवनिंग शिफ्ट के जो साथी यहाँ नियरेस्ट रहते हैं उनके पास भी फ़ोन कर दिया। हमारे इवनिंग शिफ्ट के 4-6 टीचर्स भी यहाँ खड़े हुए हैं मेरे साथ, ये तुरंत सुबह 8:30 बजे यहाँ आ गए थे। हम लोगों ने जैसे ही सुना वैसे ही आ गए, बच्चों को तुरंत बाहर निकाला। 3,500 बच्चों को टीचर्स के द्वारा इस तरह रेस्क्यू करना एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को अहित ना हो, बहुत ज़्यादा बच्चे बेहोश ना हो, तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और उसके बाद हॉस्पिटल्स पहुंचाया। फिर सब जगह सूचनाएं दी तो सब कैट्स वगैरह और ये सब अपना NDRF वगैरह ये सब आ गए। सभी ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी वो विडम्बना है वो ये है कि स्कूल की बाउंड्री के साथ ही जो ये कंटेनर डिपो है, ये यहाँ से कम 0.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना। एक सवाल और जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए 24 लोग इस वक्त आपका जो लाइव है वो ऑडियंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घटी है और क्या कुछ हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त बच्चों की हालत कैसी है, वो कहाँ भर्ती है, कैसी उनकी हालत है, ये जरा बताइए। ज़्यादातर बच्चे इस समय हालत में उनकी में सुधार हो रहा है, ESI हॉस्पिटल में, मजीदिया में, बत्रा में, और कुछ बच्चों को अपोलो में भी शिफ्ट किया गया है। जिनकी हालत थोड़ी सीरियस थी उनको अपोलो में भी शिफ्ट किया गया है। लेकिन बच्चों की हालत में अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी महेंद्र सिंह चौहान हॉस्पिटल में हैं, उनसे मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने बताया शर्मा जी बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। बच्चों की हालत में सुधार है, ये गनीमत की बात कही जा सकती है कि जिस तरह से केमिकल रिएक्शन का एक असर देखा गया कि फटाफट जैसे ही बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे और पहुंचने के बाद आंखों में जलन की शिकायत, दम घुटने की शिकायत और बेहोशी, यानी खतरनाक केमिकल था। जो कि फिलहाल उस टैंकर का क्या अपडेट है, कहाँ है वो? वो टैंकर अभी वहीं पर है जी, लेकिन वहाँ उस साइड से अब कोई नहीं है। हमारे कुछ टीचर्स को भी शिकायत हुई थी जी, जिन्होंने रेस्क्यू कराया, उधर से बच्चों को निकाला। हाँ, कुछ टीचर्स को भी शिकायत हुई थी, उन टीचर्स को प्रिंसिपल ने घर भेज दिया। हाँ, कि आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में दिखा सकते हो जा करके, क्योंकि बच्चों के हित में सारा शिक्षक हमारे स्कूल। अच्छा, फिलहाल स्कूल छुट्टी कर दी गई है? हाँ, स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। कुछ टीचर्स अपने घर चले गए हैं जिनको थोड़ी दिक्कत आई थी, कुछ टीचर्स अभी स्कूल में मौजूद हैं। चलिए, ये तो हमने आपका दिखाया आपकी कि बच्चों की कैसी हालत है, स्कूल में कैसे हुआ। अब चलते हैं कैट्स की टीम के पास और कैट्स के अधिकारियों से जानते हैं कि आखिर कैसे उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद कैसे उन्होंने एक रेस्क्यू शुरू किया, जो कि बहुत सराहनीय है। इलाके के लोग भी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैट्स की टीम ने
फटाफट मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते हुए लोगों की जितनी संभव और मुमकिन मदद हो सकती थी वो की। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम हेमंत है जी, साउथ जोन मैनेजर हूँ जी, कैट से। मुझे तकरीबन 7:30 बजे कॉल आया कंट्रोल से कि रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय में उसके नियर बाय जो भी साथ में है कंटेनर डिपो, उसमें गैस लीकेज होने के कारण बच्चों के मतलब बच्चों बेहोश हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। तो जैसे मेरे को कॉल आई, मैं तुरंत अपने जो मेरा जोन है मैंने वहाँ के लिए मूव करा। और उससे पहले जैसे ही मेरे स्टाफ को कॉल पहुंची कंट्रोल रूम कैट्स कंट्रोल रूम से, तुरंत इन्होंने रिस्पॉन्ड करा और यहाँ पे आके तुरंत जो भी जितने भी कैजुअल्टी थी, नियर अबाउट 80 कैजुअल्टी थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। आई अप्रिशिएट। और मैं भी अभी यहीं पे हूँ और एम्बुलेंस भी मेरे साथ में यहीं पे ही है, तो हम सारा कवर कर रहे हैं जो भी है, कवरेज कर रहे हैं, लगातार हेल्प कर रहे हैं। हाँ, वो बता दें कि 80 स्टूडेंट्स जो कि विक्टिम्स हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आप ये वीडियो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है किसी की चिंता को लेकर, किसी बच्चे को लेकर, तो आप हमसे लगातार इसी लाइव में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को साझा करेंगे, अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा लाइव। और बताइए कि और क्या क्या कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, बच्चों की हालत कैसी है, जो कहाँ कहाँ ये बच्चे एडमिट हैं? अभी जो बच्चे हैं नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, एक तो जामिया हमदर्द मजीदिया जैसे कहते हैं जी, बत्रा हॉस्पिटल, कुछ लड़के बच्चे अपोलो हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं। और स्थिति जो सुबह थी अभी काफ़ी ठीक है, पूरी तरह भी ठीक नहीं है, अभी काफ़ी ठीक है। और जैसे भी है मतलब हमारी एम्बुलेंस वगैरह जो हमारा स्टाफ है स्कूल के पास ही खड़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टाफ है सुबह पहुंचा था शोएब जी, ये आगे बताएंगे। शोएब जी आप बताएं, जब आप सुबह पहुंचे कैसे, क्या शिकायत थी, कैसे आप लोग जब यहाँ पहुंचे कैसे आपने क्या हालात देखा कि स्कूल के हालात क्या है, बच्चों की हालत कैसी है, और कैसे आपने एक स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लेते हुए सबसे पहले एक हेल्प शुरू की, फर्स्ट एड कैसे शुरू की बच्चों की? सुबह जब मैं ड्यूटी के लिए आया तो मुझे जैसे ही मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे करके कोई गैस यहाँ पे रिसाव हुआ है, ये अपना रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय। तो जब हम आ रहे थे तो जैसे ही हम ये इस कॉलोनी के लिए एंटर हुए तो हमने देखा रास्ते में ही कई बच्चे यहाँ से जो भाग रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, इनकी छुट्टी कर दी गई थी फौरन, तो वो कई बच्चे रास्ते में गिर रहे थे, कुछ को शिकायत थी, कुछ उल्टियाँ कर रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, किसी की आंखों में जलन थी, तो किसी के रैशेस थे, तो इस तरीके की शिकायतें थी। तो हमने फौरन ही कंट्रोल रूम को मैसेज दिया, पहले हमारी आधी टीम आई थी इस जोन साउथ ईस्ट जोन की, फिर हमने मैसेज देख के उसको और उसको बढ़ाया कि हमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ हमने इनिशियली वहीं से अपना जो रिस्पॉन्स है स्टार्ट कर दिया, वहाँ से बच्चों को हमने जो जो मिलते जा रहे थे उनको लेके हम नियर बाई हॉस्पिटल शिफ्ट करते गए। सबसे पहले हमने ESI ओखला में शिफ्ट किया, उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जब उनको फिर से खुल हो गई, फिर हमने उनको बत्रा में शिफ्ट किया, फिर हमने उनको मजीदिया किया, फिर हम उनको कुछ को अपोलो भी ले गए, कुछ लोगों को हमने सफदरजंग भी शिफ्ट किया है। तो उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे हमने अपनी टीम को एक्सपेंड किया और हमने सारे बच्चों को ऑलमोस्ट शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे अपनी एम्बुलेंस डिप्लॉयड की हुई है क्योंकि मुसलसल शिकायतें आ रही हैं, कभी जो बच्चे जो घर चले गए हैं उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो जो माँ बाप हैं वो लेके वापस जी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपका जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास अभी दोबारा आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अब आने शुरू हो गए हैं, जिन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ठीक है बच्चे की तबीयत खराब हुई है, हालत बिगड़ी है, तो वो भी अब स्कूल पहुंच रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कैसे हालात हैं और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त स्कूल के हम सामने हैं जहां पर मीडिया का भी आप जमावड़ा देख सकते हैं, पुलिस बल देख सकते हैं और भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैडम सुनिए आप एक सेकेंड, आपके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा एक मिनट आप इधर आ जाइए, आप क्या शिकायत है आपको, थोड़ा तेज बोलिए, आपका बच्चे की तबीयत खराब है? नहीं सर मेरे को अभी पता नहीं, मैं जॉब पे से आई। अच्छा जॉब पे से आए हैं आप, तो बच्चा कहाँ, घर पे है स्कूल में है? सर अभी जा रही, देखती पता करती। ठीक है, मतलब देख सकते हैं आप काफी घबराई हुई हैं, क्योंकि सीधा जॉब पे ही नहीं इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से केमिकल रिसाव हुआ है जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो ये जॉब छोड़कर अपनी भाग ली हैं और सीधे स्कूल पहुंची हैं। स्कूल आकर पता चलता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे घर पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चे मिसिंग हैं, तो चिंता तो बहुत लाजमी है कि आखिर बच्चे हैं तो कहाँ पे हैं। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल्स में, हम आपको हॉस्पिटल भी लेके चलेंगे और वहाँ का भी जायजा लेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हॉस्पिटल में कैसे
पेरेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ है, बच्चों की क्या हालत है ये हम आपको हॉस्पिटल से दिखाएंगे। फिलहाल स्कूल आपको एक बार फिर दिखाते हैं। यही वो रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय है जहाँ पर आज सुबह गैस रिसाव के बाद बच्चों की हालत खराब हुई और उन्हें दिल्ली के अलग अलग चार हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। कुछ बच्चे अभी अपोलो में भी हैं जिनकी हालत सीरियस बताई जा रही थी। और फिलहाल बता दें आपको कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, कैट की टीम पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम ये लोग वो हैं, वो एजेंसीज हैं जो कि हेल्प करने में जुट गई हैं। पुलिस वाले भी मौजूद हैं। इनसे भी जान सर किस तरह से आपको शिकायत मिली जरा ये बताइए और कैसे आपका एकदम मूवमेंट हुआ यहाँ पर स्कूल पे? थाने में जो 100 नंबर की कॉल आई थी जी, उसी से है जो फिर हम यहाँ मौके पर जी। यहाँ जो बच्चे थे उनको जो एम्बुलेंसों से कुछ PCR गाड़ी से हॉस्पिटल ले जा दिए जी। बाकी जो और बच्चे थे उनको जो यहाँ से जो प्रिंसिपल से कहते उनकी छुट्टी जी। जब आप यहाँ पहुँचे तो सर किस तरह का मंजर आपने देखा, क्या कुछ हालात थे उस वक्त, कैसा माहौल था? माहौल था तो जी। कितने बजे का सर ये सुबह की कहानी है, कितने बजे ये सब घटना घटी थी? 7:30-7:30 बजे, मतलब ये वो टाइम जब बच्चे स्कूल पहुँचे। सुबह 7:30 बजे की घटना है, बच्चे स्कूल पहुँचे बाद से लगातार फिर जो अधिकारियों ने आपको बताया कि किस तरह का माहौल देखा गया है वो हमने आपको दिखाया है। चलिए और बात करते हैं, कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं कि इलाके में कैसा माहौल है, जो आसपास सटे हुए घर हैं उनमें क्या कुछ हालात हैं लोगों के। स्थानीय यहाँ पे कोई है जो आसपास रहने वाले हैं आप इस इलाके में इनका? हाँ हाँ जी आप बताइए। मैं सुबह 7 बजे यहाँ तो दो पुलिस की गाड़ी आई, दोनों पुलिस की गाड़ी में आकर के यहाँ लगी और मैडम सब हेल्प के लिए आगे बढ़े कि तू हेल्प करो। बाद में एक के ऊपर एक बच्चे गिरते जा रहे थे और सबको गाड़ी में डाल के और ले जाया गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक एम्बुलेंस आई, उसके बाद फिर बड़ी दो एम्बुलेंस आई, फिर दोनों में भर भर के ले गया। उसके बाद तो काफ़ी लोग भी जुट गए, पब्लिक भी जुट गए जी, सारे एम्बुलेंस वाले सब उठा करके कहीं रास्ते में बड़े बच्चे कहीं इधर बड़े बच्चे जी सबको फिर उठा करके ले गया। मतलब अफरा तफरी का माहौल था सुबह का टाइम। अच्छा, मतलब हालात काफी चिंताजनक थे। हाँ, आंखों से आंसू गिर रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को भी बड़े को भी, कहीं तो टीचर गिर गए थे। जैसे आपका घर यहाँ पे है तो आपके घर तक भी इस चीज का वो असर पहुँचा, केमिकल हो रही थी वो चीज का। अच्छा, इस वक्त अगर हम जानने की कोशिश ये करें कि जैसे कैट की टीम पहुंची है और कैट फर्स्ट एड देती है और फर्स्ट एड में क्या कुछ दिया जा रहा है उनसे ये जानते हैं। सर एक बार फिर आ जाइए आप हमारे साथ, आपसे जानेंगे कि फर्स्ट एड के तौर पर आपने क्या क्या किस तरह से लोगों को चीज़ें दी ताकि उन्हें एकदम इमीडिएट रिलीफ मिल सके। फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले तो हमने उनको कंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ पे लेके गाड़ी में और उनको हमने ऑक्सीजन अटैच की, क्योंकि ये यहाँ पे गैस लीकेज हुई है तो उनके बॉडी के अंदर जो